आज हम लोग फिजिकल पॉवर्टी और पावली कैसे देखेंगे। तो पहला पॉइंट लिखा है, दे आर कलरलेस वैक्सी सॉलिड। ये कलरलेस होते हैं, मोम के आकार के सॉलिड होते हैं। ये सॉल्युबिलिटी ऑफ पावली कैसी डिक्रीज विद इंक्रीज साइज ऑफ द अल्काइल ग्रुप। मतलब क्या हुआ, वैसे तो पानी में सॉल्युबल होते हैं क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड पाई जाती है, लेकिन अल्काइल ग्रुप बढ़ेगा तो उनकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, कार्बोक्सिलिक एसिड हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट। क्योंकि इनका बॉइलिंग पॉइंट अधिक क्यों होता है, क्योंकि इनके इंट्रा मालिकुलर को लिखा हुआ है, इंट्रा मालिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है, इसलिए इनका बॉइलिंग पॉइंट बहुत अधिक होता है। द मेल्टिंग पॉइंट कार्बोक्सिलिक एसिड इंक्रीज विद इंक्रीज मालिकुलर मास या वेट। मालिकुलर मास बढ़ने के साथ साथ इनका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता है। केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, तो ये चार प्रकार की होती है। पहला, रिएक्शन ड्यू टू हाइड्रोजन एटम ऑफ कार्बोक्सिलेट ग्रुप। दूसरा, रिएक्शन ड्यू टू OH पार्ट ऑफ कार्बोक्सिलेट ग्रुप। तीसरा है, रिएक्शन ड्यू टू कार्बोक्सिलेट ग्रुप, रिएक्शन ड्यू टू एल्काइल एंड बेंजीन। ये चार प्रकार के केमिकल रिएक्शन है, तो उसमें हम लोग एक स्टार्ट करेंगे आज। देखिएगा, पहला, रिएक्शन ड्यू टू हाइड्रोजन एटम ऑफ कार्बोक्सिलेट ग्रुप। तो पहला हम लोग देखेंगे रिएक्शन विद ब्लू लिटमस पेपर। आपको मालूम है ये एसिड होता है तो ब्लू को क्या करेगा, रेड में कर देगा। आर कार्बोक्सिलिक एसिड टर्न ब्लू लिटमस टू रेड। ये क्या करेगा, ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कर देगा क्योंकि ये एसिड होता है। अगला देखिएगा, अब देखिए दिया है रिएक्शन विद मेटल। ये क्या करेगा, एक्टिव मेटल जैसे लिथियम सोडियम पोटेशियम के साथ रिएक्शन करने बाद हाइड्रोजन को निकाल देगा। तो मैंने लिखा कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट विद एक्टिव मेटल। एक्टिव मेटल क्या होता है, एल्कली मेटल में लिथियम सोडियम पोटेशियम के रिएक्ट करने बाद टू फॉर्म साल्ट एंड रिमूव हाइड्रोजन। तो देखिएगा, मैंने यहाँ पे लिया, अब देखो दो मालिकूल क्यों लगाया यहाँ पे, क्योंकि दो हाइड्रोजन निकलेंगे यहाँ से, दो हाइड्रोजन निकल जाएंगे, दो सोडियम यहाँ पर जुड़ जाएंगे, ये बन गया सोडियम एसीटेट। सोडियम लग गया यहाँ पे, ये एसीटेट है, इसको एसीटेट बोलते हैं। हाइड्रोजन गैस बाहर निकल गया यहाँ से। अब देखिए, कुछ मैंने एग्जाम्पल आप पे लिए दिए हैं, अब इसमें कुछ नहीं करना है। यहाँ पे जिंक लगा हुआ, जिंक एसीटेट बन जाएगा। यहाँ पे क्या करोगे, CH3 प्रोडक्ट में क्या करोगे, CH3COO का होल ट्वाइस ZN हो जाएगा। इसी प्रकार इसमें भी हो जाएगा। यहाँ पे हाइड्रोजन निकाल देना दो, यहाँ पे बेंजीन के साथ ऊपर आयन हो जाना, इस जगह पे आयन हो जाना, दो लगा रहेगा यहाँ पे, ठीक है। प्रोडक्ट बना दिखाना हमको क्या बना आपको। अब देखिएगा अगला प्रोडक्ट, रिएक्शन विद एल्कलीन। मतलब कोई भी हम लोग एल्कली सोल्यूशन लेंगे, NaOH KOH जो भी लेंगे, तो वहाँ पे क्या बनेगा, सोडियम एसिड एस्टिक एसिड लिया, NaOH की क्रिया करें सोडियम हाइड्रोक्साइड की, तो यहाँ पे बनेगा सोडियम एसीटेट, वाटर मालिक्यूल निकल जाएगा, सेम रिएक्शन है ये। अब सेकेंड टाइप देखो, बी नंबर या सेकेंड टाइप, रिएक्शन इन्वॉल्व द OH ग्रुप। OH ग्रुप के हम लोग देखेंगे, तो पहला पॉइंट देखिएगा, फॉर्मेशन ऑफ एसिड क्लोराइड। या भी आपका आपने क्या लिया, कार्बोक्सिलिक एसिड लिया, PCl5 से क्रिया कराई। तो यहाँ पे देखिएगा, H5Cl है तो HCl यहाँ पे लग जाएगा, RCOCl हो जाएगा यहाँ पे, और एक HCl निकल जाएगा, HCl निकल गया यहाँ से, और एक बच्चा का पी, अब यहाँ पर बचा पी बच्चा, तीन क्लोरीन बच्चे, एक वो बच्चा, तो PCO3 बन गया यहाँ पे, फास्फोरिक एसिड बन गया। ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर्मेशन ऑफ एस्टर या एस्टिफिकेशन, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन, कई बार ये आई है। देखिएगा, वेन कार्बोक्सिलिक एसिड आर हीटेड विद एल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4 टू फॉर्म एस्टर। मतलब क्या हुआ, कार्बोक्सिलिक एसिड को जब लोग एथिल कोल के साथ में गर्म करेंगे कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में, तो बनेगा हमारा एस्टर, बनेगा निकलेगा क्या, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा। देखिएगा यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ से OH निकला, एस्टिक एसिड से OH निकला, यहाँ से एस निकला, यहाँ बन गया क्या, CH3C11O2H5। और यहाँ पे लिख लो, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, यहाँ पे वाटर मालिकूल बाहर निकल जाएगा, ठीक है, मैंने लिखा नहीं। अगला देखो, ये एग्जांपल आपको करके दिखाना है, सेम रिएक्शन का एग्जांपल करके दिखाना आपको, इसकी मैकेनिज्म समझो, बहुत इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म की। तो पहला स्टेप में देखो क्या लिया हमने, H2SO4 लिया, इसको हीट किया, H+ देगा, H2SO4- दे दिया। अब सेकेंड स्टेप में देखो, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है इसकी। अब देखो, ये हमने लिया एस्टिक एसिड, ये H+ आपका ये वाला लिया, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं,
तो ये इसको अटैक करेगा तो ये वाला बन जाएगा प्रोडक्ट, बन गया। अब प्लस चार्ज क्यों आएगा, क्योंकि ऑक्सीजन ट्रिपल बॉन्ड नहीं बनाता है, इसलिए प्लस चार्ज आ गया। अब देखिएगा ये प्लस था ब्रेक करेगा, क्योंकि ऑक्सीजन के इलेक्ट्रोनेगेटिव अधिक होती तो बॉन्ड टूटेगा, तो कार्बन में प्लस चार्ज आ जाएगा, कार्बन में प्लस चार्ज आ गया। अब जैसे ही कार्बन में प्लस चार्ज आ गया तो आपके पास एटिल खोल पाता था, और इसके बाद लोन पर उपलब्ध होते हैं, ये इसको अटैक करेगा। जैसे ही अटैक करेगा तो आपका प्रोडक्ट ये बनेगा, बन गया। अब यहाँ पे प्लस चार्ज फिर ऑक्सीजन के पास आया, क्योंकि एक दो तीन बॉन्ड बन गए, तो ये क्या करेगा, ये वाला बॉन्ड टूटेगा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन वाला बॉन्ड टूटेगा, तो इसमें प्लस चार्ज आ जाए, प्लस चार्ज आएगा तो ये इसका लोन पर उपलब्ध होते हैं, ये इसको अटैक करेगा तो प्रोडक्ट आपका ये बनेगा। जब ये आपका प्रोडक्ट बन गया था, यहाँ से वाटर वाली कूल निकाल दो तो कार्बन प्लस चार्ज आ जाएगा। तो देखिएगा यहाँ से क्या किया मैंने, हाँ यहाँ से ये प्लस ले लिया तो यहाँ वाटर वाली कूल आ गया। अब यहाँ से उसको निकाल दिया तो यहाँ कार्बन प्लस चार्ज आ जाएगा, ये आ गया कार्बन प्लस चार्ज। अब ये जो हाइड्रोजन ओएच वाला, ये जो हाइड्रोजन, इसको क्या करेगा, रिमूव करेगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इस ऑक्सीजन माइनस चार्ज आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे टूट गया, यहाँ पर माइनस चार्ज आ जाएगा ऑक्सीजन पे, इसे प्लस चार्ज तो बन जाएगा डबल बॉन्ड, यहाँ पे एच प्लस निकल जाएगा, और एच प्लस जैसे निकलेगा तो इससे रिएक्शन करके ये फिर एच टू सपोर फिर निकल जाएगा यहाँ से। अब देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, फॉर्मेशन ऑफ एसिनामाइड। एसिड ये क्या करेगा, ये कार्बोक्सिलिक एसिड क्रिया हम लोग करते हैं अमोनिया से, तो पहले बनेगा एडिशन प्रोडक्ट, अमोनियम साल्ट बनेगा। देखिएगा RCOOH NH3 लिखा हुआ, हमने H3N लिख दिया, इसको अमोनियम साल्ट बन गया। इसको जब हीट करेंगे तो यहाँ से वाटर निकल जाएगा, तो देखो ये मैंने वाटर लिखा है, ये वाटर निकल जाएगा, यहाँ बचेगा क्या, RCONH2 बचेगा। ये मैंने कुछ रिएक्शन आपको करने दिए हैं, पहले यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा, जैसे ये वाला प्रोडक्ट बनेगा पहले यहाँ पे, इसको फिर हीट करेंगे तो आपका ये वाला प्रोडक्ट बनेगा, ये पर को दिखाना है। ये देखो मैंने एक रिएक्शन कर दिया, इंपॉर्टेंट है, यहाँ तक तो क्लियर है, आप लोग खुद ही कर लेंगे, यहाँ तक कर लेंगे। बस देख लीजिएगा, पैटेलिक एसिड लिया, इसकी क्रिया कर दिया अमोनिया से, दो मालिकूल लेंगे अमोनिया को, यहाँ पे दो मालिकूल अमोनिया दिए जाएंगे, तो यहाँ पे अमोनियम पैटलेट बनेगा, इसको हीट करेंगे तो यहाँ से वाटर अमोनिया बनेगी, यहाँ से क्या बनेगा, यहाँ से बनेगा एमाइड बनेगा, यहाँ से निकलेगा हमारा, यहाँ से निकलेगा हमारा, यहाँ पे वाटर मालिकूल निकलेगा, दो मालिकूल वाटर के निकल जाएंगे इस जगह से, ठीक है। अब इसको फिर आपने हीट कर दिया, तो हीट कर दिया यहाँ पे, ये बनेगा, और यहाँ पे क्या निकलेगा, यहाँ पे प्लस अमोनिया निकल जाएगी, अमोनिया गैस बाहर निकल जाएगी, ठीक है। ये अब इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, फॉर्मेशन ऑफ एसिड एनहाइड्राइड। बहुत सिंपल है, एसिटिक एसिड लेते हैं किसी फास्फोरस एसिड P2O5, ये आपका एसिड होता है फास्फोरस एसिड, इसको हीट करोगे तो वाटर निकल जाएगा, एक से एच दूसरे से OH निकल जाएगा, और ये बनेगा हमारा एसिटिक एनहाइड्राइड, ठीक है। ये इसके बाद मैंने कुछ क्वेश्चन आपको लिए दिए हैं, ये दो क्वेश्चन करके दिखाना, नीचे वाला देखिए। अब देखो ये अलग अलग लिए, यहाँ पे क्या लिया हमने, एसिटिक एसिड लिया, यहाँ पे एसिड क्लोराइड ले लिया, एसिटिक क्लोराइड ले लिया यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एच, यहाँ पे Cl निकल जाएगा, एसिटिल बने तब भी एसिटिक एनहाइड्राइड बनेगा यहाँ पे, यहाँ पे उसी प्रकार अलग अलग लिए तो यहाँ पे एच और Cl निकल जाएगा, बनेगा एसिटिक एनहाइड्राइड। रिएक्टेंट अलग ले लिया लेकिन प्रोडक्ट सेम बनेगा, ठीक है बेटा।